इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट चखराना, शिक्षा स्वास्थ्य समाज सेवा स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर, सचिव डॉक्टर शानु राजकुमार यादव। अब की बार एक ही सपना, बहरोड नंबर वन हो अपना, बहरोड की पहचान आपका भाई बलवान, काम किया है काम करेंगे, बहरोड का ऊंचा नाम करेंगे, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अब की बार मोहित यादव को बनाए विकास का जरिया, सोच ईमानदार काम दमदार, तभी तो है बहरोड का भविष्य और जन जन का विश्वास, युवा भाजपा नेता मोहित यादव। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं RAT 24। हरियाणा के पूर्व मंत्री और रेवाड़ी के दिग्गज नेता कैप्टन अजय यादव के पौत्र विक्रमादित्य राव के कुआ पूजन कार्यक्रम में कैप्टन के विधायक बेटे चिरंजीव के साले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव छूछक लेकर अपनी बहन के घर पहुंचे। वहीं कैप्टन के निवास पर दिग्गजों का जमावड़ा भी रहा, जिनमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा, विधायक रावदान सिंह के अलावा अनेक लोग मौजूद रहे। आज मौका मिला है, पारिवारिक कार्यक्रम है और मुझे खुशी है, मुझे भगना हुआ है और आने का मौका मिला। और रेवाड़ी से तो कैप्टन साहब जब भी याद करते तब हम लोग यहाँ आते रहे और काफ़ी हमें खुशी है इस बात कि पूरे सभी लोग एक साथ एक मौके पर सब लोग जुटे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अलवर में बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया। सांसद महंत बालकनाथ योगी और कलेक्टर पुखराज सेन सहित अनेक अधिकारी भी योग क्रियाएं करते नजर आए। सांसद ने कहा कि योग करने से मन और भावनाएं शुद्ध होती हैं। हमारी अलौकिक और पौराणिक विरासत है योग, जैसे हम भगवान को देवी देवताओं को मानते हैं, ठीक उसी प्रकार से योग है। इसका भी रचना या कहें इसका शुरुआत कहें तो सृष्टि के निर्माण के साथ में ही भगवान के आशीर्वाद से योग के क्रियाओं की, योग के आसनों की, ध्यान मुद्राओं की रचना हुई है। और एक मनुष्य के लिए आरोग्य जीवन रखने के लिए, स्वस्थ जीवन रहे, उसके साथ साथ में स्वस्थ विचार रहे, मन के अंदर भावनाएं अच्छी हों, समाज के लिए प्रकृति के लिए, इन सब में कारगर है तो एकमात्र साधन है योग। और आज योग के एक सूत्र के साथ में पूरा विश्व जुड़ा है। आप देख रहे हैं कि किसी भी देश में चले जाएं, किसी भी जाति धर्म का मानने वाला देश क्यों ना हो, किसी भी मत को मानने वाला देश क्यों ना हो, लेकिन योग के माध्यम से सारा दुनिया आज जुड़ चुकी है। और जिस प्रकार से हमारी संस्कृति का हमारा मूल मंत्र है, हमारे धर्म का मूल मंत्र है वसुमदेव कुटुम्बाओ, पूरा विश्व एक परिवार है और इस पूरे विश्व के परिवार के स्वरूप में हम सब लोग भाई बंधु मिलकर सब आगे बढ़े और सब लोग अपने जीवन को सुनिश्चित करें और आने वाले भविष्य के भी जीवन को सुनिश्चित करें। इस बरडोद कस्बे में बीती रात अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को नाली से बाहर निकाला। शव के पास मिले मोबाइल के आधार पर उसकी पहचान हुई। सदर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि मृतक 27 वर्षीय राजा राम पुत्र राम प्रसाद कुशवाहा निवासी ललितपुर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। मृतक अपने मामा के साथ बरडोद में मजदूरी का काम करता था। प्रथम दृष्टया शराब पीकर नाले में गिरने से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, 20 वर्षों से लगातार शानदार रिजल्ट, अनुभवी व विश्वसनीय शिक्षक टीम, साइंस एंड कॉमर्स ओनली इंग्लिश मीडियम। प्रवेश से पहले 7 दिन का फ्री डेमो क्लासेस जरूर लें और अंतर खुद महसूस करें। हमारी कक्षाओं में सीमित विद्यार्थी, क्योंकि हम करते हैं फोकस हर एक बच्चे पर। सैनिक, NTSC, STSC की विशेष तैयारी, तो आज ही अपने नौनिहालों को दिलवाए प्रवेश KPS में। ACL ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, सभी सुविधा युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन, लगातार 15 सालों से राठ का सर्वोत्तम संस्थान। Our teachers are those who introduce us to new ideas, concepts, discoveries and invention. IIT में NEET में चैन देने वाली नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट। The principal and the management of this school are the benign creators of the opportunity for personal growth. साथ ही अब कंगारू किड्स प्ले स्कूल भी हमारे द्वारा संचालित।
बहरोड के गांव नांगल खोड़िया में आयोजित महंगाई राहत शिविर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस नेता बस्तीराम यादव पहुंचे और लाभार्थियों को गारंटी कार्ड वितरित किए। एडवोकेट यादव ने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। बढ़ती महंगाई के इस दौर में आम आदमी के लिए यह योजनाएं कारगर सिद्ध हो रही हैं। शिविर के दौरान सरपंच वेद कृष्ण, विकास अधिकारी ओम प्रकाश यादव सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा अलवर उत्तर व नीमराणा के पूर्व प्रधान बलवान सिंह यादव आज गादोज में चमत्कारी बाबा सुजान सिंह सोलंकी के भंडारे में शामिल हुए। यादव ने बाबा का आशीर्वाद लिया और ग्रामीणों से बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में आपका आशीर्वाद रहा तो क्षेत्र में भरपूर विकास कार्य करवाए जाएंगे। इस मौके पर ग्रामीणों ने बलवान सिंह यादव का स्वागत भी किया। लायंस क्लब बहरोड किंग व CISF अनंतपुरा के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता बस्तीराम यादव, CISF के 500 जवान और क्लब के प्रमोद अग्रवाल और दिनेश अग्रवाल के अलावा सैकड़ों लोगों ने योगाचार्य KR शर्मा के सानिध्य में यौगिक क्रियाएँ की। इस मौके पर बस्तीराम यादव ने कहा कि आज बढ़ते हुए औद्योगिकरण और प्रदूषण के कारण बीमारियाँ बढ़ रही हैं। ऐसे दौर में मनुष्य के लिए योग करना अति आवश्यक हो गया है। यूनिक स्कूल एंड साइंस कॉलेज बहरोड, अब आपको कोटा जाने की नहीं है जरूरत। कैरियर पॉइंट कोटा की कोचिंग अपनी टीम के साथ अब यूनिक बहरोड में। चेयरमैन सुमित यादव का दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम से यूनिक संस्थान ने राज्य और जिला स्तरीय मेरिट देकर राठ का नाम किया रोशन। स्कूल में नेवी, एयरफोर्स, सैनिक, नवोदय, ओलम्पियाड, मिलिट्री की तैयारी, IIT और NEET के अलग से बैच प्रारंभ। आपके बच्चों का भविष्य संवारने के लिए स्कूल में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC, नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, अलवर शहर में पेयजल संकट भी साथ आता है। आज अलवर के अशोका टाकीज के पास पेयजल संकट से परेशान वार्ड वासियों ने सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर रास्ता खुलवाया। यहाँ सारी पब्लिक, जैसे आप देख रहे हैं, सब पानी के लिए लगभग 15 दिनों से परेशान है। पंप हाउस में एक मोटर खराब हुए, 7 दिन हो गए, लेकिन उस पर कोई अभी तक कार्रवाई तो नहीं हुई है। पानी के लिए इतना व्यथित है कि आसपास के क्षेत्रों में एक डेढ़ ढाई घंटा पानी सप्लाई हो रहा है, लेकिन हमारे 50-60 जो घर हैं उनमें पानी की समस्या पिछले कई 6 महीनों से बनी हुई है, बनी होने को। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने आज विधानसभा बहरोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर इन 9 वर्षों की कार्य की विस्तृत जानकारी दी। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर जसवंत यादव ने संपर्क से समर्थन अभियान के अंतर्गत क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों से मुलाकात कर राजनीतिक चर्चा करते हुए उनको एक पुस्तक भी भेंट की। इस दौरान डॉक्टर जसवंत यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाओं की सराहना करते हुए समर्थन भी मांगा। इस दौरान कमल यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। शिक्षा के क्षेत्र में बहरोड में लगातार नंबर 1 GPS स्कूल भगवाड़ी। एडमिशन ओपन कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए प्री फाउंडेशन NEET JEE की स्पेशल तैयारी। कोटा की स्पेशल फैकल्टी अब GPS में, साथ ही सैनिक व नवोदय स्कूल की विशेष तैयारी। टॉप फैकल्टी द्वारा क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, हॉस्टल फैसिलिटी, GPS स्कूल भगवाड़ी। इंदू हॉस्पिटल नीमराणा, राठ क्षेत्र का अत्याधुनिक 60-बेडेड और NABH मान्यता प्राप्त। डॉक्टर इंदू यादव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर अशोक यादव, पूर्व सर्जन SMH जयपुर और जाने माने डॉक्टर आवेश, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। इंदू हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे, फार्मेसी, पैथोलैब, ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, अमूल डेयरी बेनिफिशियरी।
नीमराणा के पूर्व प्रधान बलवान सिंह यादव ने गांव खोरी खपरिया गोलावास ओटोली बिजोरावास महाराजावास बनहड़ नासरपुर के युवाओं और गणमान्य लोगों के साथ जनसंवाद कार्यक्रम किया। इस दौरान बलवान सिंह यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव के अब कुछ महीने ही शेष रह गए हैं। बहरोड विधानसभा क्षेत्र के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लें कि हम अपने देश के लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बलवान सिंह यादव ने कहा कि अब की बार आप लोगों ने आशीर्वाद दिया तो क्षेत्र में भरपूर विकास कार्य कराए जाएंगे। इस दौरान क्षेत्र के सरपंच, पंच और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बहरोड के गांव गंडाला में आईआईटी में चयनित होने वाले विश्वेंद्र यादव और मेहुल कुमार से मिलने उनके निवास पर भाजपा युवा नेता मोहित यादव पहुंचे और इन होनहारों का साफा और फूलमाला पहनाकर अभिनंदन किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। मोहित यादव ने कहा कि ऐसे बच्चे बहरोड का गौरव हैं। वहीं दूसरी ओर बहरोड में आयोजित महिला लाभार्थी सम्मेलन में भी मोहित यादव ने हिस्सा लिया और महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के बारे में चर्चा की और आने वाले चुनाव में भाजपा का समर्थन करने की बात कही। मोहित यादव जलालपुर गांव में पहुंचकर ठाडेसर महाराज के विशाल भंडारे में भी शामिल हुए। आयोजकों ने मोहित यादव का भव्य स्वागत किया। यादव के साथ अनेक जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बाबा श्री नारायण दास अभिनव पीजी महिला महाविद्यालय SBI बैंक के पास बहरोड सभी सुविधाओं से युक्त हमारी बेटियों के लिए कड़ा अनुशासन और उच्च शिक्षा पर बल पूरा कैंपस CCTV कैमरों की निगरानी में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम BA BSc सभी विषयों में MA भूगोल राजनीतिक विज्ञान हिंदी संस्कृत सभी रूटों पर वाहन सुविधा मत्स्य विश्वविद्यालय से सर्वाधिक पदक प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला महाविद्यालय सचिव जयप्रकाश मीणा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। राठ इंटरनेशनल स्कूल अद्भुत अतुलनीय प्रशंसनीय STSC परीक्षा परिणाम में 112 बच्चों की टॉप रैंक संपूर्ण राजस्थान के प्रथम 10 स्थान पर 21 बच्चे केवल राठ इंटरनेशनल स्कूल से। एग्जाम कोई भी हो बेस्ट तो राठ इंटरनेशनल स्कूल ही है। यह हम नहीं हमारे परिणाम बोलते हैं। इतने कम समय में इस विद्यालय ने जो ऊंचाइयों को छुआ है निश्चित तौर पर एक बहुत ही सराहनीय है। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राठ 24। नमस्कार।